प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल थर्टी वन इन दिस मॉड्यूल डिफरेंट बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स हाउ वी कैन यूज दिस करेक्टर्स फॉर स्पीश आइडेंटिफिकेशन अगर हम बिहेवियरल क्रैक्टर्स की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्सोनमिक करैक्टर है अगर हम मार्फोलॉजिकल करेक्टर से इसको कंपेयर करें तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मार्फोलॉजिकल क्रैक्टर से ज्यादा है बहुत सारे बिहेवियरल करेक्टर्स जिसके अंदर मेटिंग बिहेवियर है एग लेइंग हैबिट है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की नेस्टिंग बिहेवियर ड्रिंकिंग बिहेवियर बर्ड्स के अंदर ये वो बिहेवियर हैं जो कि मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होते हैं और इन बिहेवियर्स को यूज करके इनकी स्टडी करके हम डिफरेंट स्पीशीज को सेपरेट कर सकते हैं अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मेटिंग कॉल्स की बात करें तो फ्रॉग्स टोर्स और कॉकरोचेस के अंदर जो मेटिंग कॉल्स हैं वो स्पेसिफिक होती हैं इन मेटिंग कॉल्स की मदद से हम डिफरेंट स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं इसी तरीके से स्पाइडर्स जो हैं जो कि अरेक्नेट्स हैं ये इंसेक्ट्स से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर थ्री पेयर्स ऑफ लेग हैं स्पाइडर्स के अंदर फोर पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं इनके अंदर जो वेब कंस्ट्रक्शन होती है वो यूनिक होती है एक स्पीशीज जो है उसका जो वेब होता है वो दूसरी स्पीशीज के वेब से डिफरेंट होता है इनका जो वेब का डायमीटर इनके अंदर नंबर ऑफ स्पाइरल्स जो होते हैं नंबर ऑफ रेडियाई होते हैं ये डिफरेंट वेब आर्किटेक्चर के पार्ट्स हैं अगर हम डिफरेंट स्पाइडर स्पीशीज के वेब्स को कंपेयर करें तो इनके जो वेब का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है अब ये जो वेब का स्ट्रक्चर है क्योंकि ये डिफरेंट है ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है तो अगर किसी जगह पे एक वेब मौजूद है वहां पे स्पाइडर मौजूद नहीं है उस वेब के स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वेब किस स्पीशीज का है तो इसका मतलब यह है कि हम वेब स्ट्रक्चर जो है इस करेक्टर को स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेजम्स के अंदर मेटिंग और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है ये डिफरेंट होता है खासतौर पे अगर हम बर्ड्स के अंदर बात करें तो बर्ड्स के अंदर मेटिंग और रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर्स हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होते हैं तो इन डिफरेंसेस की बेस के ऊपर एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीशीज और इन करेक्टर्स को यूज करके हम आसानी से एक स्पीशीज के मेंबर को दूसरे स्पीशीज के मेंबर से सेपरेट कर सकते हैं